हेलो फ्रेंड्स, बायोबी कवि चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चला था द लिविंग वर्ल्ड, जो कंप्लीट हो गया है। इस समय क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है बायोडायवर्सिटी और टैक्सोनॉमी से। अगर आपने हमारे लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप जाके लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ कितना है? जो डाटा है वो कितना है? 1.7 से 1.8 मिलियन। और मैंने आपको पहले बताया था, अगर डाटा 1.7 से 1.8 मिलियन एग्जैक्ट दिया हो तो आप मोर देन 1.7 से 1.8 मिलियन वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज तो खोजी जा चुकी है। लेकिन क्या सारी स्पीशीज को खोजा जा चुका है? नहीं, अभी बहुत सी स्पीशीज ऐसी होंगी जिसके बारे में अभी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मोर देन 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन इक्वल टू नहीं, लेस देन नहीं, और ये तो 17 से 18 मिलियन है, ये तो डाटा ही गलत है। मोर देन 1.7 से 1.8 मिलियन। द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, फुल फॉर्म मैंने IUCN की ICBM की सबकी फुल फॉर्म बताई थी, उसका फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए बोटेनिकल है, बायोलॉजिकल मट्टी कर दीजिएगा, बोटैनिकल तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर थ्री। पहला था बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये नहीं होगा। बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ये नहीं होगा। ये एक फैमिली का नाम है ब्रैसिकेसी, इसका भी नहीं होगा। क्या है? सॉरी, ये वाला ही सही है, ये वाला सही है, बोटेनिकल नॉमन क्लेचर सही है, ये बैक्टीरिया वाला गलत है। थर्ड ऑप्शन सही है, बोटेनिकल नॉमन क्लेचर। अगला सवाल देखते हैं, इसमें पूछा है कि बाइनोमियल नॉमन क्लेचर के हिसाब से कौन सी बात है गलत, हमको गलत बात जाननी है। पहला, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, ये बिल्कुल सही है। जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लैटिन में रहता है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग किसमें होती है? प्रिंटिंग होती है इटैलिक्स में, और यदि हम इटैलिक्स में प्रिंट नहीं करवाते हैं तो उसको सेपरेट अंडरलाइन करते हैं। तो पहला वाला तो भाई सही है। दूसरा, द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द जीनस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट नेम जीनस का होता है और सेकेंड नेम होता है स्पीसीज। द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, ये भी आप जानते हैं जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बता दिया। ओ आर अंडरलाइन, मतलब ये वाली बात भी इसने बिल्कुल सही बोला है, बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ओ आर अंडरलाइन, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है और हमको गलत पहचानना था। अगला देख लेते हैं, द ऑथर नेम इन मैंडेटरी नहीं होता है। ऑथर नेम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में जरूरी नहीं है कि आप लिखेंगे, यदि किसी साइंटिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया है तब उसका नाम उसके पीछे लिखा जाता है, टैग नहीं। और वो भी अगर लिखा जाएगा तो लिंक नहीं थोड़ी लिखा जाएगा। अगर किसी स्पीसीज को कैरोलस लीनियस साहब ने खोजा है तब हम लिंक लिखेंगे, अदरवाइज अगर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने खोजा है तो उसका नाम लिखा जाएगा, तो ये भी गलत है। मैंडेटरी भी नहीं रहता है और सबके साथ लिंक भी नहीं लगाते हैं, एंड आल्सो अंडरलाइन भी नहीं करते हैं। जो ऑथर का नेम होता है उसको हम अंडरलाइन भी नहीं करते हैं, केवल जीनस और स्पीशीज का नाम ही अंडरलाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी भी गलत है, लिंक भी गलत है और अंडरलाइन भी गलत है, मतलब हमको गलत ही पहचानना था, तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर फॉलोइंग इज लोवेस्ट कैटेगरी। कैटेगरी हमने आपको बताया था 7 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? एक ट्रिक भी बताया था क्या, केपी को एफ जी एस मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज।
तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? स्पीसीज। और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? किंगडम। और इसके अलावा हमने एक चीज और बताया था कि जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होती है, सबसे ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो स्पीसीज सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रहेगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग लोवेस्ट कैटेगरी, तो क्या फैमिली नहीं, आर्डर नहीं, जीनस, क्लास, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा जीनस। तो देखिए जीनस यहाँ पे है, फैमिली ऊपर है, आर्डर भी ऊपर है, सबसे ऊपर क्या रहेगा? क्लास रहेगा, फिर आर्डर रहेगा, फिर फैमिली रहेगा, फिर जीनस, तो यहाँ जीनस सबसे लोअर है। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच आर फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू सेम टैक्सोन। टैक्सोन तो मैंने आपको बताया था, जो ये सेवन कैटेगरीज हैं, ये अपने आप को एक अलग लेवल पे शो करती हैं, इसी को हम टैक्सोन बोलते हैं, मतलब सारी कैटेगरी अपने आप में एक टैक्सोन होती हैं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू सेम टैक्सोन। देखिए पोटेटो, ब्रिंजल और टोमेटो, ये तीनों एक ही, ये तीनों के तीनों क्या है? कॉमन नेम है, मतलब जेनरिक नेम मान सकते हैं। तो पोटेटो, ब्रिंजल और टोमेटो ये अपने आप को एक ही लेवल पे शो कर रहे हैं, मतलब ये एक ही टैक्सोन से रिलेटेड हैं। यहाँ नॉट बिलोंगिंग पूछा है। आगे बढ़ते हैं, लियो, टिग्रिस, लियोपार्ड, ये तीनों स्पीसीज का नाम है। पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, और पैंथेरा लियोपार्ड मतलब तेंदुआ, ये तीनों स्पीसीज का नाम है। और ये तीनों स्पीसीज है, मतलब अपने आप को एक ही लेवल पे शो कर रही है, एक ही टैक्सोन में शो कर रही है। तो ये ऑप्शन भी सही है और ये वाला भी सही है। अगला देख लेते हैं, फंजाई, प्लांटी और मोनेरा। देखिए भाई, ये फाइव किंगडम, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उसमें फंजाई, प्लांटी और मोनेरा ये तीनों क्या है? किंगडम है। इसके अलावा प्रोटिस्टा एक किंगडम है और एनिमेलिया एक किंगडम है। तो ये तीनों अपने आप को एक ही लेवल पे शो कर रहे हैं, तीन के तीनों क्या है? किंगडम्स है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही है। यहाँ पे देखिए ब्रेसिक्रेसी, ये क्या है? ये जीनस का नाम है। ठीक है, एनिमेलिया ये क्या है? किंगडम है। और मोनोकार्ट क्या है? मोनोकार्ट क्लास है। तो यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिस वन, ब्रेसिका जीनस है, क्लास है वो किंगडम है। तो ये अलग अलग लोबी पे शो कर रहे हैं, मतलब ये अलग अलग टैक्सोन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग टैक्सोन या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आर फॉलोइंग हैज मोर सिमिलरिटी और स्पेसिफिक। मैंने यहीं पे बताया था कि जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होती है, जो लोवेस्ट कैटेगरी होती है वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होती है, और उसमें सबसे ज्यादा मोर सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे हम होमो सेपियंस हैं, तो हम लोग जितने भी मानव पूरी जो प्रजाति है सब में सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। हम लोग जो हायर की बात करेंगे बिल्ली कुत्ते से, उससे हम अलग हैं, क्योंकि हमारा अलग जगह पे डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, विच आर फॉलोइंग है मोर सिमिलरिटी, जो जितना नीचे आओगे उतने ही ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर आप ज्यादा पाओगे या स्पेसिफिक। अब देखिए, एनाकार्डियासी, क्रमोकुलेसी और कोएसी, ये क्या है? ये फैमिली है। ये क्या है? ये फैमिली है। पॉलीमोलियस, कोएस, सेपिंडेस, ये क्या है? ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। सोलेनम, पिटूनिया, एट्रोपा, ये क्या है? ये जीनस है। और यहाँ पे देख लीजिए, लियोपार्ड, लियो, टिग्रिस, पहले बताया है, ये क्या है? ये स्पीसीज है। तो सबसे नीचे कौन है? जो सबसे नीचे होगा वही तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होगा, इसमें सबसे नीचे कौन है? स्पेसीज। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इन विच टैक्सोन वी गेट मोर डिफिकल्टी टू डिटर्मिनेट। जी, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो घटते हुए चले जाते हैं। जब सिमिलर कैरेक्टर घटते हुए चले जाते हैं तो हमको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कैटेगरी में, हमको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी
पड़ेगी, इसलिए जो कैटेगरी सबसे ऊपर रहेगी वहां से क्लासिफाई करने में सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए जीनस स्पीशीज, ये तो भैया यहाँ पे है नीचे है, फैमिली और जीनस, फैमिली ये रही और जीनस ये रहा, स्पीशीज और क्लास, क्लास ये रहा और स्पीशीज ये रही, डिवीजन और किंगडम, साहब ये रहा किंगडम और फाइलम को ही प्लांट केस में बोलते हैं डिवीजन, तो ये देखिए ऊपर है किंगडम और डिवीजन ऊपर है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, क्योंकि तो हमको इस लेवल पे, इस टैक्सॉन के लेवल पे हमको सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्लासिफाई करने के लिए। विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये तो हमने बता दिया केटी को एफजीएस, सीधे बता दीजिए ये कौन सा केटी को एफजीएस है, केपी को एफजीएस, यही वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ गया, केपी को एफजीएस यही वाला ऑप्शन सही है, तो ये लिखे गलत हो गया, बाकी वो सारे गलत हो जाएंगे, आगे देख लीजिए। तो इसी के साथ जो है जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर था जो बायोडायवर्सिटी और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड था ये होता है खत्म। अब अगले वीडियो में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सेशन भी खत्म हो जाएगा, हमारा चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया है, अब हम उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है द सेकंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके थैंक यू, टेक केयर।